हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है इन टूडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द विटामिन सी तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है विटामिन सी तो विटामिन सी की जिसको हम केमिकली uh, उसको कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड कि केमिकली जो विटामिन सी है वो एस्कोरबिक एसिड है तो उसके जो बेसिक यूज़ क्या है फिर उसके जो हम हेल्थ बेनिफिट्स कहें तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द विटामिन सी इन अवर बॉडी और समझो कि कोई पर्सन उसको एक्सेस अमाउंट में यूज़ करता है तो एक्सेस अमाउंट के अंदर या फिर उसके ओवर के कारण कि ये भी जानना ज़रूरी होता है कि जब हम कोई मेडिकेशंस यूज़ करते हैं तो वो मेडिकेशन सबसे पहले तो यूज़ करनी चाहिए प्रॉपर सेफली या फिर उनका हम दूसरे वर्ड में कहें तो सेफ़ यूज़ होना चाहिए तो सेफ यूज़ तभी होगा कि जब आपको पता होगा कि उसके प्रॉपर कितने डोज के अंदर लेनी चाहिए और समझो कि ओवर डोज लिया गया तो उसके कारण कौन से जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं तो आज का हमारा मेन लेक्चर ही वो सब चीज़ों के ऊपर फोकस करेगा कि बेसिक यूज़ क्या रहेगा विटामिन सी का उसके हमारे बॉडी के अंदर बेनिफिट्स क्या है और अगर उसको सेफ यूज़ करना है तो कितने अमाउंट में लेना चाहिए एंड और कोई उसका मिस यूज़ करता है ओवर डोज में लेता है एक्सेस अमाउंट में ले लेता है तो कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं विटामिन सी के ओवर के कारण तो ये सभी को जानते हैं ये वीडियो लेक्चर के अंदर आगे डिटेल में एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ़ फार्मरॉक्स थैंक यू फॉर बी इन वन लैक फैमिली ऑफ फार्मारॉक्स अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ सब्सक्राइब करिए चैनल प्रेस करिए बेल आइकॉन आल्सो यूज़ करिए एफ फार्मारॉक्स कि फार्मारॉक्स का मोबाइल एप्लीकेशन की जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल प्रिंटेड एज वेल एज पी डी दोनों फाइल उसकी मिल जाएगी आप एक्सेस कर सकते हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एंड ऑल्सो द वीडियो लेक्चर तो ये सभी फैसिलिटीज़ को एक्सेस करिए रॉक्स के ऐप ऊपर के डाउनलोड कर सकते हैं एंड्रॉयड ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर और आप एपल आईफोन ऐप स्टोर पर से भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी तो अब सीखते हैं विटामिन के बारे में तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वॉट इज विटामिन तो विटामिनस क्या है कि जो हम सुनते हैं कि अलग अलग विटामिन जैसे कि विटामिन ए है विटामिन के विटामिन ई e, विटामिन डी तो ये अलग अलग विटामिनस के बारे में हम सीखते हैं एज वेल एज विटामिन बी वन बी टू बी थ्री तो वॉट इज विटामस तो विटामिन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है विटामिनस आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटीज टू सस्टेन द लाइफ

हमारी लाइफ को अच्छे से जीने के लिए उसको सस्टेन करने के लिए विटामिन्स की ज़रूरत होती है और ये विटामिन्स जो है हमें अलग अलग हमारी जो फूड होते हैं उसमें से मिल जाते और तो फूड के अंदर मेन हम सोर्स का है तो डिफरेंट वेजिटेबल एंड फ्रूट्स वगैरह में से हमें ये विटामिन्स मिलते हैं तो दिस इज़ बिकॉज द ह्यूमन बॉडी आइदर डज़ नॉट प्रोड्यूस enough of them or it does not produce any at all. Each organism has a different vitamin requirement in their body. तो so usually जो है हम अलग अलग जो फूड लेते हैं like जो हम अलग अलग vegetables खाते हैं फिर जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो सभी में से हमें ये डिफरेंट्स vitamins मिल जाते हैं तो विटामिन ए डी एन के जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि विटामिन बी वन है बी टू बी थ्री बी फाइव बी सिक्स बी सेवन बी नाइन बी ट्वेल्व और विटामिन सी की जो हम कहते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन तो ये जो अलग अलग विटामिन कि फैट सॉल्युबल एज वेल एज वाटर सोल्यूबल तो फॉर्ट सोल्यूबल में ये चार ही है ई के और वाटर सोल्यूबल में विटामिन बी का जो पूरा कॉम्प्लेक्स है कि बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी तो आज हम सबसे पहले स्टडी करेंगे विटामिन सी के बारे में तो विटामिन सी की जो अभी हमने जाना उस तरह से वो है वाटर सोल्यूबल विटामिन कैसा है कि वो वाटर के अंदर इज़ीली सोल्यूबल हो जाता है इस तरह से ये विटामिन हम कहे तो वाटर के अंदर इज़ीली वो डिजॉल्व हो जाता है तो विटामिन सी हमारा वाटर सोल्यूबल विटामिन है एंड इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज बहुत सारे अलग अलग डिजीज के अंदर एज वेल एज़ हमारी हेल्थ के लिए विटामिन सी का बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो विटामिन सी को हम केमिकली कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड एस्कॉर्बिक एसिड तो इसका जो हम केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे ये डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि जो एस्कॉर्बिक एसिड दैट मीन्स अ विटामिन सी विटामिन सी इज ए विटामिन फाउंड इन ए वेरियस फूड एंड सोल्ड एज ऑल्सो अ डायट्री सप्लीमेंट कि उसके हम देखें तो जो डायट्री सप्लीमेंट्स जो होते हैं एज वेल एज़ विटामिन सी के हम टैबलेट्स देखते हैं कैप्सूल्स अवेलेबल होते हैं विटामिन सी की सिरप वगैरह अवेलेबल होती है तो वो एज अ डाइट्री सप्लीमेंट एज वेल एज़ अलग अलग जो फूड प्रोडक्ट्स के अंदर भी विटामिन सी जो है वो प्रेजेंट होता है कि जो हमारा वाटर सॉल्यूबल विटामिन है और वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट विटामिन है हमारे बॉडी के अंदर फॉर आवर हेल्थ एंड डिसीज तो विटामिन सी इज़ ए एसेंशियल न्यूट्रियट कि जैसे हमारी बॉडी को अलग अलग पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है जो हम कहते हैं न्यूट्रिशंस तो उसी न्यूट्रिशंस में से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन है वो है विटामिन सी कि जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है इट प्ले ए इम्पोर्टेंट रोल इन ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज कि हमारी जो हेल्थ है हम और एज वेल एज जो कुछ डिसीज़ होते हैं उनके लिए वो जरूरी है तो विटामिन सी इज ए एसेंशियल न्यूट्रिएंट इन्वॉल्व इन रिपेयर ऑफ टिश्यू कि जैसे कि किसी को डिसीज़ होती है टिश्यूज के रिलेटेड तो जब आप विटामिन सी के सप्लीमेंट्स देते हैं उसको तो टिश्यू रिपेयर जो है वो अच्छा होता है एंड द एंजाइमेटिक प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन न्यूरो ट्रांसमीटर तो जब टिश्यू को रिपेयर करना है एज वेल एज एंजाइमेटिक प्रोडक्शन करना है न्यूरो का तो उस वक्त भी विटामिन सी का काफ़ी इम्पोर्टेंस है तो अब जानते हैं विटामिन सी के सोर्सेस क्या होते हैं तो नेचुरली हमें जो विटामिन सी है वह अलग अलग जो साइट्रस फ्रूट्स के हिंदी में हम उनको जो खट्टे फल कहते हैं ऐसे वेजिटेबल्स की जिसके अंदर आ, जो है विटामिन सी प्रेजेंट है एज वेल एज साइट्रस फ्रूट और उसमें भी ऑरेंजिस है लेमन आमला उसके मेन सोर्सेस है कि जो हम आमला कहते हैं फिर लेमन है ऑरेंज ऑरेंजिसे उसके, उसके अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट के अंदर विटामिन सी होता है फिर पेपर्स के अंदर होता है स्ट्रॉबेरीज के अंदर हम देखें ब्लैक करंट्स है ब्रोकली है ब्रूसेल्स स्प्राउट वगैरह है एंड पोटेटोस वगैरह के अंदर भी विटामिन सी जो है वो अवेलेबल होता है तो जब हम ये फ्रूट और ये वेजिटेबल्स वगैरह हमारे डेली डाइट के अंदर होता है तो कभी भी हमें विटामिन सी की डेफिशिएंसी नहीं होती और जो भी विटामिन हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है वो विटामिन हमें ये सब जो फ्रूट्स हम कहे या फिर वेजिटेबल्स जब हमारे रूटीन जो खाना होता है रूटीन डाइट के अंदर होता है तो ये सब जो फूड या फिर जो हम कहें तो उससे हमें विटामिन सी मिल जाता है कि जो हमें डेली जरूरी है जिसके कारण विटामिन सी की कभी हमें डेफिशिएंसी नहीं होती तो व्हाट आर द नीड ऑफ विटामिन सी विटामिन सी की हमारे बॉडी के अंदर जरूरिया क्यों है तो ये समझिए कि फॉर्मेशन ऑफ कॉलेजन फॉर्मेशन ऑफ ए कॉलेजन इच इज ए मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन एज द मेन कंपोनट ऑफ कनेक्टिविटी सू की जो कॉलेजन है कि जो हमारे बॉडी के अंदर रहा एक टाइप का है प्रोटीन तो ये प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है कॉलेजन का जो फॉर्मेशन का है या फिर उसका सिंथेसिस का है या फिर उसका हम प्रोडक्शन कहें सभी वर्ड उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं उस की कॉलेजन का प्रोडक्शन उसका सिंथेसिस उसका फॉर्मेशन सभी के लिए जो जरूरी होता है विटामिन सी का होना और विटामिन सी उसके अंदर काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है तो कॉलेजन जो एक प्रोटीन है और वो प्रोटीन जो है स्ट्रक्चरल प्रोटीन और स्ट्रक्चरल प्रोटीन से ऐसे प्रोटीन होते हैं कि जो हमारे बॉडी के जो टिश्यूज वगैरह होती है उनके फॉर्मेशन में हेल्प करते जैसे कि उसका एक एग्जांपल है कनेक्टिव टिश्यूज उसके अलावा हम देखें तो जो बॉन्ड टिश्यूज वगैरह होती है उसके फॉर्मेशन में भी ये काफ़ी जरूरी है बिकॉज कॉलेजन का इन्वॉल्वमेंट होता है अलग अलग बॉन्ड टिश्यूज के फॉर्मेशन में तो अगर समझे कि विटामिन सी अच्छे अमाउंट में आपके बॉडी के अंदर है तो अच्छे से ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनता है कि जिसको हम कहते हैं कॉलेजन उसके कारण हमारी जो कनेक्टिव टिश्यूज अच्छी डेवलप होती है हमारे बॉन्ड टिश्यूज का अच्छे से जो है वो फॉर्मेशन होता है उसके अलावा देखिए तो आयन एन हीमोग्लोबिन की जो मेटाबॉलिज्म में भी काफ़ी हेल्पफुल uh, रहता है ये विटामिन सी उसके अलावा देखिए तो ट्रिप्टोफेन के मेटाबॉलिज्म के अंदर ट्रिप्टोफेन की जो एक टाइप का एमिनो एसिड है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है आयन एंड हीमोग्लोबिन के मेटाबॉलिज्म के, के लिए भी वो जरूरी है टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म के लिए एंड फॉलिक एसिड के मेटाबॉलिज्म के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ज़रूरिया होती है विटामिन सी की तो रूटीन में जब हम विटामिन सी कंटेनिंग अलग अलग यहाँ पे जो देख रहे हैं वो वेजिटेबल्स एज वेल एज जब फ्रूट्स खाते हैं तो ये विटामिन सी हमें ये सब फ्रूट्स एज वेल एज वेजिटेबल में से इजीली मिल जाता है और ये सब बॉडी के जो हमारे फंक्शंस है उसके लिए जो ज़रूरी जो विटामिन सी है वो नीड जो है वो प्रॉपर पूरी हो जाती है फिर दूसरे भी यूज़ है वो देखिए कि पैप्टाइड हार्मोन के सिंथेसिस के लिए सिंथेसिस ऑफ कार्टिकोस्टेरोड हार्मोन्स, फिर एस्कोरबिक एसिड की जो एक स्ट्रोंग एंटी है कि विटामिन सी के पास स्ट्रोंग एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है तो वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है एंड इट आल्सो एनहांस द सिंथेसिस ऑफ इम्यूनोग्लोबुल्स जैसे कि एंटीबॉडीज अब समझिए एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज़ की जो हमारे इम्यून सिस्टम हमारी इम्यून सिस्टम के एक टाइप के सोल्जर हैं इम्यून सिस्टम के सोल्जर की जब कोई फॉरेन समझे कि कोई वायरस आपके बॉडी में एंटर होता है कोई बैक्टीरिया एंटर होता है तो वो होते हैं एक टाइप के एंटीजन तो एंटीजन के सामने तुरंत हमारे जो एंटीबॉडीज उसके ऊपर अटैक करते हैं कि एंटीबॉडीज़ या फिर जो हमारे इम्यून सेल्स है जितने भी वो सभी की आर्मी ये वायरस और बैक्टीरिया पर अटैक करके उसको क्या करती है कंप्लीटली कील कर देती है तो इम्यून सिस्टम के जो इम्यूनोग्लोबुल्स है और उसमें भी से एंटीबॉडीज तो उनका जो फॉर्मेशन है वो एनहांस करेगा रिजल्टिंग आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेंगे फिर प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ कैटारैक्ट, प्रिवेंटिव एक्शन ऑन क्रोनिक डिसीज एंड एज एन एंटी ऑक्सीडेंट विटामिन सी रिड्यूज द रिस्क ऑफ कैंसर कैटरैक्ट एंड कोरोनरी हार्ट डिसीज एंड ऑल्सो इम्प्रूव इम्प्रूव करता है आपकी इम्यूनिटी को कि जो आपकी रोग प्रतिकार रख सकती है इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी कि वो एनहांस करता है इम्यूनोग्लोबुल्स के सिंथेसिस का और जब इम्यूनोग्लोबुलेंस की जो एंटीबॉडीज इंक्रीज हो गए तो उसके कारण आपकी इम्यूनिटी जो है वो एनहांस होगी तो हेल्थ बेनिफिट्स देखिए विटामिन सी के तो प्रिवेंट करता है आयन डेफिशिएंसी कि जब हमारे बॉडी के अंदर प्रॉपर अमाउंट में विटामिन सी होता है तो आयन डेफिशेंसी नहीं होती बिकॉज वो जो है वो उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो अच्छे से करवाता है और हमारी बॉडी के अंदर आयन जो है वो अच्छे से एक्यूमलेट होता है जिसकी जितनी अमाउंट में आयन की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को उतना आयन हमारे बॉडी के अंदर प्रिजर्व रहता है जमा होता है जिसके कारण हेल्प करता है इन प्रिवेंट आयन डेफिशेंसी फिर देखें तो अभी जैसे है समझाए कि बूस्ट करता है इम्यूनिटी तो ये हो गए उसके नीड पर से उसके हेल्थ बेनिफिट्स कि जो उसकी ज़रूरियात है और वो ज़रूरियात समझो कि पूरी हो जाती है तो उसके कारण आपको कौन से हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं तो ये सब हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलते हैं जिसमें हमने फर्स्ट जो पॉइंट डिस्कस किया दैट इज़ कि वो प्रिवेंट करता है आयरन डेफिशंसी को सेकंड हम उसका देखें तो बूस्ट करता है आपकी इम्यूनिटी को देन प्रोटेक्ट करता है मेमोरी एंड थिंकिंग एज द एज इंक्रीज जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो उस वक्त कई बार एज के कारण मेमोरी पे ऊपर असर पड़ता है तो आपकी मेमोरी को अच्छे से प्रोटेक्ट करता है एंड जो आपका थिंकिंग पावर है वो भी अच्छे से बनाए रखता है जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है तो ये एक तीसरा बेनिफिट है चौथा बेनिफिट देखें तो रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रोनिक डिज क्रोनिक डिस के रिस्क को कम करता है हेल्प टू मैनेज द हाई ब्लड प्रेशर की एंटीऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर मेटाबॉलिज्म अच्छे से करवाता है तो जिसके कारण ब्लड प्रेशर रिड्यूस रहता है इट मे लोअर द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज उसके अलावा हम देखें बेनिफिट तो इट में रिड्यूस द ब्लड यूरिक एसिड लेवल एंड प्रिवेंट द गाउट अटैक तो ये सात ऐसे पॉपुलर हम बेनिफिट्स कह सकते हैं विटामिन सी के कि जो उसके प्रॉपर हमारे डाइट के होने के कारण हमें मिल जाते हैं अगर आपके खाने के अंदर प्रॉपर विटामिन सी है तो उसके कारण आपको ये हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं अब समझिए कि विटामिन सी की हुई है डेफिशिय विटामिन सी की हुई है कि आपके खाने के अंदर विटामिन सी जो है वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं है तो द डेफिशंसी ऑफ एस्कोरबिक एसिड और विटामिन सी रिजल्ट इन ए स्कर्वी तो जो डिसीज कंडीशन प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं स्कर्वी तो यहां पे आप देख सकते हैं स्कर्वी का जो पेशेंट और उसके टीथ कंडीशन तो दिस डिसीज इज कैरेक्टराइज बाय स्पॉन्जी एंड सोर गम्स एंड रिजल्ट इन ए लूज ऑफ टीथ क्या आपके जो टीथ जो है वो काफी सॉफ्ट हो जाते हैं सॉरी टीथ जो गम्स हैं सॉफ्ट हो जाते हैं आपके गम्स और उसके कारण ये टीथ के जो ऊपर उसकी जो प्रॉपर जो पकड़ रहती है गम्स के कारण वो जो है वो काफ़ी लूज हो जाती है और उसके कारण लॉस ऑफ टीथ कि आपके टीथ जो है वो पहले तो ये काफी लूज हो जाते हैं टीथ पहले तो और लूज होने के बाद वो जो है वो लॉस भी हो सकते हैं बिकॉज ये उसका जो ये गम समझो कि काफ़ी हो जाते हैं आपके सॉफ्ट फिर स्पॉन्जी हो जाते हैं तो जिसके कारण जो प्रॉपर स्ट्रेंथ मिलती थी टीथ को वो स्ट्रेंथ अब वीक हो जाएगी और वीक हो जाएगी तो आपके टीथ जो है वो लूज हो जाएंगे वो हिलने लगेंगे और आगे जाके लॉस ऑफ टीथ भी हो सकता है कई बार ये जो जगह होती है वहाँ से ब्लड भी बाहर आता है उसके अलावा हम स्कर्वी के अंदर देखें तो वेरी ड्राई हेयर दैट कॉल्स एंड ब्रेक ऑफ क्लोज टू द स्किन क्या आपके हेयर कर्ली भी हो जाती है और वो गिरने लगते हैं एंड गम्स बिकम वेरी सॉफ्ट क्या आपके जो गम्स है वो काफी सॉफ्ट हो जाते हैं तो स्कर्वी में हम देखें तो स्वालन स्पॉन्जी एंड पर्पल इज गम देट आर प्रोन टू बी ब्लीडिंग क्या जो मैंने बताया कि यहाँ से जैसे ये ब्लड आ रहा है तो जब आपके ये जो गम्स काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं स्पॉन्जी हो जाते हैं एंड ऐसे हो जाते हैं कि वो अब उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं रही कि आपके जो टीथ है उसको अच्छे से होल्ड कर सके तो जिसके कारण आपके टीथ जो है वो लूज हो जाते हैं और आगे जाके लॉस ऑफ टीथ भी हो सकता है कि देखिए यहाँ पे लिखा है लॉस ऑफ टीथ एंड सुन और दूसरा हम देखें तो पेल स्किन देखने को मिलती है हेयर जो है वो करली हो जाती है और कई बार हेयर लॉस भी देखने को मिलता है बल्जिंग आइज हो सकती है एंड ब्लीडिंग इन टू द स्किन सीवियर एंड इजी ब्रूसिंग स्केली ड्राई एंड ब्राउनिस स्किन तो ये सब सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं स्कर्वी के अंदर कि जो विटामिन सी की डेफिशेंसी के कारण होने वाली एक मेन डिसीज एक स्कर्वी होने का जो मेन रीज़न है हम समझे तो दैट इज विटामिन सी डेफिशिएंसी तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होने वाले दूसरे और कॉम्प्लिकेशन हम समझे तो दूसरे कॉम्प्लिकेशंस के अंदर पेशेंट को एनेमिया हो सकता है बिकॉज आयन मेटाबॉलिज्म के लिए विटामिन सी जरूरी है विटामिन सी की कमी होगी तो आयन का मेटाबॉलिज्म कम होगा आयन की जो मात्रा हमारे बॉडी के अंदर जरूरी है वो कम होती जाएगी और आयन फॉलिक एसिड जब कम होता है तो एच बी डाउन होता है और एच बी डाउन होने से एनेमिया होता है फिर स्वॉलन जॉइंट्स के आपके जो जॉइंट्स है वो स्वेलन हो जाते हैं वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है कारण कि विटामिन सी का होना जरूरी है हमारे स्ट्रक्चरल प्रोटीन के फॉर्मेशन में कि जिसको हम कहते हैं कॉलेजन कॉलेजन कम बनेगा तो जो जॉइंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं बॉन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं फिर आपके ब्लड वेसल फ्रेजाइल हो जाती है डिक्रीज इम्यूनो कम्प्लीटेंस जिसको हम दूसरे वर्ड में मैं सिंपल इसके लिए वर्ड लिखूँ तो डिक्रीज इन इम्यूनिटी कि विटामिन सी की कमी के कारण आपकी इम्यूनिटी जो है वो रिड्यूस हो सकती है फिर डिले इन वाउंड कि जब आपको कोई इंजरी होती है तो हीलिंग काफी डिले होती है देन स्लगिस हॉर्मोनल फंक्शन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड गोनाड हेमरेज एंड ऑस्टियोपोरोसिस में ऑल्सो अकर ड्यू टू द विटामिन सी डेफिशेंसी मोस्ट ऑफ दिस सिम्टम्स आर रिलेटेड टू द इम्पेयरमेंट एंड रिडक्सन इन द सिंथेसिस ऑफ कॉलेजन एंड द एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ऑफ विटामिन सी तो ये जो हमें कॉम्प्लीकेशंस देखने को मिलते हैं विटामिन सी की डेफिशेंसी के कारण उनका मेन रीज़न ये ही है कि जो कॉलेजन का जो सिंथेसिज है वो रिड्यूस हो जाता है और साथ ही रिड्यूस होता है एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ऑफ विटामिन की जिसका एम्पेयरमेंट होता है एज वेल एज उसका रिडक्शन होता है तो उसके कारण आपकी इम्यूनिटी भी लो हो जाती है वाउंड हीलिंग डिले हो जाता है हो सकता है ऑस्टियोपोरोसिस के प्रॉब्लम होते हैं स्लगिस हार्मोनल फंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड गोनार्डस तो ये सब प्रॉब्लम हो सकते हैं तो कितना विटामिन जो है वो आपके खाने में होना चाहिए कि जो हम कहते हैं कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस की जो हम कहते हैं शॉर्ट में आर तो आर के अकॉर्डिंग टू कितना विटामिन सी आपके बॉडी के अंदर होना चाहिए तो ऑन एन एवरेज 60 टू 70 एम विटामिन सी इनटेक पर डे विल मीट द एडल्ट रिक्वायरमेंट कि जो एडल्ट पर्सन से उनके लिए जरूरी है कि 19 ईयर्स या फिर फोर्टीन टू एटीन ईयर्स को कंपेरिजन करें हम तो सिक्सटी से लेकर सेवेंटी मिलीग्राम जितना विटामिन सी आपको चाहिए पर डे ये जो बात है ये रिगार्डिंग द पर डे जो उसके जो रिक्वायरमेंट है उसके रिलेटेड है कि पर डे सिक्सटी टू सेवेंटी एम आपको चाहिए एंड एडिशनल इंटेक जो ट्वेंटी टू 40 परसेंट इंक्रीज कर सकते हैं रिकमेंडेड फॉर वुमेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन तो एज वाइज हम देखें यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टेबल है कि रिकमेंडेड डाइटरी अलावेंस फॉर विटामिन सी तो समझो कि पेशेंट की एज है जीरो टू सिक्स मंथ कोई भी पर्सन की एज है तो मेल के अंदर चालीस एम जी फीमेल में भी फोर्टी एम जी सेवन टू ट्वेल्व मंथ तो पचास एम जी जितना वन टू थ्री ईयर है तो फिफ्टीन एम जी फोर टू एट ईयरस में फिर वो मात्रा बढ़ती जाएगी ट्वेंटी फाइव नाइन टू थर्टीन में फोर्टी फाइव और फोर्टीन टू एटीन ईयर्स के अंदर सेवेंटी फाइव टू सिक्सटी फाइव एम जी मेल और फीमेल के अंदर अगर प्रेगनेंसी है तो फीमेल के अंदर वो एटीएम जी जितना भी डेली चाहिए और लैक्टेशन के दौरान हंड्रेड एंड फिफ्टीन एम जी और वन ट्वेंटी एम जी तो जो एडिक्यूएट अप्रोक्सीमेट ये रहेंगे इंटेक्स अबाउट द रिकमेंडेड डाइटरी अलाउेंस तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको अच्छे से समझना है कि ये जो है वो डेली रिक्वायरमेंट है कि हर दिन आपके खाने में इतना विटामिन सी जो है वो आपके बॉडी के अंदर जाना चाहिए अगर समझो कि इतना विटामिन आपको नहीं मिलता तो उसके कारण क्या होगा विटामिन की होगी डेफिशेंसी की जिसको हम कहते हैं कि विटामिन सी की कमी होगी और विटामिन सी की कमी के कारण जो हमने देखा कि जो अलग अलग जो हमने डिसीजेस देखे कॉम्प्लिकेशंस देखे वो हो सकते हैं उसके डैफिशंसी के कारण तो ऐसे कंडीशंस के अंदर जो विटामिन सी की डैफिशंसी वाले जो पर्सनस होते हैं उनको वो डैफिशंसी को क्योर करने के लिए विटामिन सी के दिए जाते हैं सप्लीमेंट्स तो विटामिन सी के जो सप्लीमेंट्स मतलब कि विटामिन सी का पेशेंट को आप देते हैं टैबलेट देते हैं उसके रिलेटेड कोई जीवेबल टैबलेट्स देते हैं फिर सिरप्स वगैरह भी फॉर्म में अवेलेबल होता है वो आप देते हैं एक्सटर्नली कि जो एक्सटर्नली अलग अलग टैबलेट और उसमें भी हम कहें तो यहाँ पे हम लिम्सी एक प्रोडक्ट देख सकते हैं मैक्सी एक टैबलेट है तो ये चिवेबल टैबलेट्स होते हैं कि जो पेशेंट जो है वो एक्सटर्नली लेता है एज अ विटामिन सी सप्लीमेंट कि जो क्योर करता है विटामिन सी की डेफिशिएंसी को तो विटामिन सी सप्लीमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू क्योर एंड ट्रीट ऑफ़ विटामिन सी विटामिन सी इज कोज ड्यू टू नॉट हैविंग इनफ विटामिन सी इन योर डाइट फॉर एटलीस्ट लास्ट थ्री मंथ सो इट कैन बी क्योर बाय विटामिन सी सप्लीमेंट्स कि अभी जो हमने चार्ट देखा उसके अकॉर्डिंग टू ऑन एन एवरेज सभी पर्सन को डेली कितना चाहिए डेली हम कहें तो चलो सिक्सटी से लेकर 70 एमजी एम जितना मिनिमम आर जो है आपके होना चाहिए विटामिन सी इन योर बॉडी पर समझो कि लास्ट थ्री मंथ से आपकी बॉडी के अंदर विटामिन सी जो है वो जा ही नहीं रहा मतलब कि आप ऐसा खाना खा रहे हैं कि जिसके अंदर विटामिन सी मौजूद ही नहीं है तो उसके कारण क्या होगा कि विटामिन सी की कमी के कारण आपको विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाएगी और वो डेफिशिएंसी को आप क्योर करने के लिए आपको जो है वो विटामिन सी के ये टैबलेट्स खाने पड़ेंगे या फिर उसकी सिरप जो है वो पेशेंट को दी जाती है तो विटामिन सी के सप्लीमेंट्स में देखिए तो उसके जो चीवेबल टैबलेट की जो 500 हंड्रेड स्ट्रेंथ में होती है यूजली यहाँ पे देख सकते हैं 500 हंड्रेड विटामिन सी टैबलेट्स की जो लिम्सी है एबोट का जो प्रोडक्ट है एज़ वेल एज़ मैक्स सी टैबलेट विटामिन सी के चीवेबल टैबलेट्स तो ये जो टैबलेट्स होते हैं वो आपकी डेफिशेंसी को क्योर करते हैं एज वेल एज़ विटामिन सी के हम देखें तो सिरप भी अवेलेबल होते हैं तो सिरप भी प्रॉपर जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग टू उसके जो डोज जो है वो आपको लेना होता है तो विटामिन सी सप्लीमेंट्स के हम डोज की बात करें तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है डोज बिकॉज ओवर डोज होगा तो जो कॉम्प्लिकेशंस होंगे वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे बट अभी समझ लीजिए उसके सप्लीमेंट्स के बारे में तो सप्लीमेंट का जो डोज है तो 500 हंड्रेड एम जी डेली ऑफ विटामिन सी इज इनफ टू अचीव हेल्थ रिजल्ट ऑफ विटामिन सी डेफिशेंसी इसी के कारण देखिए जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो यूजअली उसको 500 हंड्रेड एम जी की स्ट्रेंथ में जो है वो बनाते हैं और अगर वो आप वो उसको वंस अ डे लेते हैं तो भी इनफ रहता है कि आप दिन में एक गोली लेते हैं तो भी वो इनफ है कि जब तक आपकी डिफिशेंसी क्योर ना हो जाए एंड जरूरी है प्रॉपर आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की के एडवाइस देना बट पर्सन हैव टू स्टार्ट सप्लीमेंट आफ्टर द प्रॉपर डायग्नोसिस गाइडेंस एंड रिकमेंडेड डोज फ्रॉम योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स बिकॉज डोंट डू द सेल्फ मेडिकेशन इट इज अ वेरी रिस्की कैसा नहीं कि आप डायरेक्टली उसके सप्लीमेंट स्टार्ट कर देते हैं बिना किसी की एडवाइस लिए बिकॉज सबसे पहले तो डायग्नोसिस करके चेक करना जरूरी है कि आपको विटामिन सी की डेफिशिएंसी है या नहीं तो बिना डेफिशिएंसी के आप एक्सेसिव विटामिन सी लेंगे तो उसके जो डोज के बजाय क्या हो जाएगा उसका ओवर डोज हो जाएगा तो ऐसी गलती हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए कि उसका ओवर डोज हो बिकॉज नेक्स्ट स्लाइड में जो हम देखने वाले हैं कि साइड इफेक्ट्स इफ एक्सेसिव डोजेस टेकन तो अगर समझे कि कोई पर्सन एक्सेसिव डोज लेता है विटामिन सी का या फिर ओवर डोज होता है ओवर डोज ऑफ विटामिन सी क्या आप कोई भी सप्लीमेंट लेते हैं उसके सिरप लेते हैं या फिर टैबलेट तो उसके ओवर डोज के कारण क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं तो सबसे पहले डाइजेस्टिव ट्रैक रिलेटेड प्रॉब्लम्स कि जैसे कि पर्सन को हार्ट बर्न हो सकता है जी जो हम कहते हैं वो हो सकता है आई बी डी इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज एज वेल एज सिंड्रोम एंड सिम्टम्स में इंक्लूड द ब्लोटिंग डायरिया गैस स्टमक पेन एंड स्टमक क्रेम्स तो ये सब जो डाइजेस्टिव ट्रैक रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर कोई पर्सन मोर देन टू थाउजेंड एम जी एट वंस मतलब कि पर डे समझो कि कोई टू थाउजेंड मतलब कि दो ग्राम की टैबलेट जो है वो ले लेता है या फिर फाइव हंड्रेड के चार टैबलेट्स खा लेता है तो ऐसे कंडीशन में जो डाइजेस्टिव सिम्टम्स उसको हो सकते हैं जैसे कि उनको पेशेंट को डायरिया भी हो सकता है कि अचानक से आपको डायरिया हो जाए ब्लोटिंग हो सकती है स्टमक के अंदर गैस हो सकता है स्टमक पेन हो सकता है हार्ट बर्न हो सकता है एसिडिटी हो सकती है इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ हो सकता है इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम तो ये सब डाइजेस्टिव ट्रैक रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं अगर आप उसको ओवरडोज मिले तो ये ओवरडोज जो है वो आपको एवॉइड करना चाहिए फिर जो हम देखें सेकंड दैट इज सम स्टडीज हैव बीन फाउंड दैट कंज्यूमिंग टू मच विटामिन सी में इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑक्सिलेट इन योर किडनी ये अच्छे से समझिए कि एक्सेस अमाउंट के अंदर समझो कि आप विटामिन सी लेते हैं तो कंज्यूमिंग टू मच विटामिन सी में इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑक्जिलेट इन योर किडनी किडनी के अंदर ऑक्जीलेट का अमाउंट इंक्रीज होगा जिसके कारण पोटेंशियल लीड्स टू किडनी स्टोन तो ऑक्जिलेट बढ़ेगा और ऑक्जीलेट के कारण जो है वो आगे जाके किडनी स्टोन फॉर्म हो सकता है तो हमेशा याद रखिए कि एक्सेसिव डोज जो है वो कभी भी नहीं लेना है प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की एडवाइस के बाद ही विटामिन सी के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए और दूसरे हम देखें कॉम्प्लिकेशन दैट इज विटामिन सी में कोस आयन ओवरलोड इन द बॉडी उसके कारण जो आयन है उसका ओवरलोड जो है वो हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर तो इसी बात से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मेक द प्रॉपर सेफ यूज और सेफ यूज तभी होगा कि जब आप सेल्फ मेडिकेशन नहीं करेंगे प्रॉपर जो है वो सबसे पहले जरूरी होता है डायग्नोसिस करवाना डायग्नोसिस के बाद ही सबसे पहले तो डायग्नोसिस करवाना जरूरी है कि डायग्नोसिस करके डायग्नोसिस करके हमें ये पता चलेगा कि आपको डेफिशिएंसी कितनी है या फिर कौन सा प्रॉब्लम है कि जिसके कारण जो है विटामिन सी की कमी है तो वो सब डायग्नोसिस होने के बाद ही पता चलेगा डायग्नोसिस के बाद प्रॉपर जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनकी जो एडवाइस और उनके गाइडेंस के साथ ही जो आपको डोज वो प्रिस्क्राइब करते हैं वो डोज़ और वो भी कितने दिन तक लेना है कि आपको सेवन डेज के लिए लेना है फिफ्टीन डेज़ के लिए लेना है ट्वेंटी वन डेज़ के लिए लेनी है तो वो प्रॉपर आपके डायग्नोसिस के बाद ही वो प्रिस्क्रिप्सन लिखा जाएगा तो ये था हमारा डिटेल इंफॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर ऑन विटामिन सी तो गेट अवर लेक्चर पी डी एफ्स ऑन अवर एफ फार्मोरॉक्स कि जो अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगे एंड्रॉय ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर एपल आईफोन ऐप पर पे आपको ऐप आप मिल जाएगी थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप ये वाला व्हाट्सअप हेल्पलाइन नंबर है एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज़ वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मारॉक्स गुड लक एंड ऑल द बेस्ट